मिशन खाली चैनल में आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। मेरे पास आज ये सैमसंग का 310 इसका प्रॉब्लम है। जैसे हम इसको चार्जिंग पे लगाते हैं तो चार्जिंग पे लगाने के बाद चार्जिंग का सिंबल बनाने के बाद फट से लिख कर आ रहा है चार्जिंग पॉज वोल्टेज 2 हाई। तो इसको हम सॉल्व करेंगे आज। तो दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और एनी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो चलिए, तो इसको जो है तो मैंने सॉल्व कर चुका हूँ, तो आप लोगों को बताता हूँ मैं ये प्रॉब्लम कहाँ से है। तो आप देख सकते हैं ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, ये जो आपको दिख रही है चार्जिंग आईसी, ये चार्जिंग आईसी को आपको निकालना है और वापस से रीहॉट करना है। अगर उससे भी नहीं होता है तो आपको डायरेक्ट ये आईसी चेंज करना पड़ेगी। जैसा कि मैंने ये आईसी चेंज किया है, देख सकते हैं ये आईसी आपको 1200T 1200i के अंदर मिल जाएगी। तो उस इनसेट में से आपको निकालना है और इसको लगा देना है। तो ये चेंज करने के बाद जो है तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है दोस्तों। आपको चेक करना है अच्छी से, जब तक ये लगेगी नहीं तो वो प्रॉब्लम आते रहेगा आपको। अच्छी से उसको लगाना है, देख सकते हैं आप चार्जिंग बता रहा है। तो आपको ये ऐसी चेंज करना है दोस्तों। ये वीडियो मैंने शूट इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, क्योंकि मेरे पास वो ऐसी अवेलेबल नहीं थी तो मुझे पीसीबी को ढूंढना पड़ा। जब पीसीबी मिली तो मैंने ये वीडियो आगे की प्रोसेस किया और वो प्रॉब्लम का जो हल हुआ है तो उसके बाद ही मैंने वीडियो को अपलोड किया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट करना।